एवरीवन, छठ त्योहार के बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन हो सकता है आपकी जानकारी भी छठ के बारे में उतनी ही हो जितनी कि मेरी थी, क्योंकि जो बिहार और झारखंड से बिलोंग करते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस त्यौहार के बारे में, क्योंकि बिहार और झारखंड का तो सबसे बड़ा त्यौहार है ये। बाकी लोगों को शायद उतनी जानकारी ना हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है जो बिहार से पटना से हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि छठ की पूजा जो संध्या अर्घ होनी थी उसके लिए, तो वहाँ जाकर मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वहाँ जाकर महिलाएं वहाँ पर छठ के गीत गा रही थी और पानी में खड़े होकर लोग ढलते हुए सूरज को अर्घ दे रहे थे और काफ़ी सजावट की गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ का माहौल सारा। तो छठ जो है भारत के उत्तरी राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है, इसमें सूर्यदेव की और छठी मैया की पूजा होती है। छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी। और छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन पंचमी तिथि के दिन उपवास को खरना कहा जाता है, षष्ठी को संध्या अर्घ और सप्तमी को उषा अर्घ किया जाता है। 36 घंटों का काफ़ी कठिन व्रत होता है ये, निर्जला व्रत रखा जाता है और यह परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुख शांति स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है। पूजा में फल मिठाई ठेकुआ खस्ता नामक प्रमुख प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह पर्व भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा